नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। कांग्रेस पार्टी आज अपनी 137वीं स्थापना दिवस मना रही है और इस मौके पर कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी दिल्ली में अपने पार्टी मुख्यालय पहुंच चुकी है। ऐसे में जब सोनिया गांधी अपने पार्टी मुख्यालय पहुंची तो उस वक्त उनके साथ एक अजीबो गरीब वाक्या हो गया, जिसे देखकर वहां पर मौजूद सभी कांग्रेस नेता हैरान रह गए। साथ ही साथ जैसे ही ये जो भी कुछ हुआ इसको देखकर कांग्रेस नेता मदद के लिए सोनिया गांधी के पास दौड़ते भागते हुए पहुंचे। क्या कुछ अचानक से हो गया दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में? आखिर क्यों वहां पर सारे नेता अचंभित रह गए? सोनिया गांधी के साथ आखिर कौन सा नया अजीबोगरीब वाक्या सामने आया है, ये जानते हैं मेरे साथ इस इनसाइड स्टोरी में। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ अजीब वाक्या हुआ है। सोनिया आज दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर पार्टी का झंडा फहराने पहुंची थी, लेकिन डोरी खींचते ही झंडा उनके ऊपर आ गिरा। सोनिया कांग्रेस के 137वें स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी कार्यालय पहुंची थी। सोनिया ने जब पार्टी के झंडे की डोर खींची तो वहां एक कार्यकर्ता भी मौजूद था। उसने झंडारोहण में सोनिया की मदद करने की कोशिश भी की, लेकिन झंडा उनके ऊपर ही आ गिर पड़ा। इस घटना से वहां मौजूद सभी कांग्रेसी चौंक गए। इसके बाद एक महिला कार्यकर्ता दौड़ती हुई आई और उसने भी फ्लैग होस्टिंग में मदद करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आखिरकार सोनिया गांधी ने हाथ से ही पार्टी का झंडा फहराया। इस पूरे वाक्य के दौरान सोनिया कहीं भी विचलित नहीं नजर आई, उनका रिएक्शन बेहद शांत था। स्थापना दिवस के दौरान सोनिया गांधी ने कहा कि हमारी विरासत गंगा जमुनी संस्कृति को मिटाने की कोशिश हो रही है, देश का आम नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहा है, लोकतंत्र व संविधान को दरकिनार किया जा रहा है। ऐसे समय में कांग्रेस चुप नहीं रह सकती। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर शुभकामनाएं दी। राहुल गांधी ने इस मौके पर ट्वीट कर कहा है कि हम कांग्रेस है, वो पार्टी जिसने हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना की और हमें इस धरोहर पर गर्व है। ऐसे में जब यह अजीबो गरीब वाक्या कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ दिल्ली स्थित कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में हुई, तब कहीं से भी वो परेशान, हैरान और विचलित नहीं नजर आ रही थी। उनका जो चेहरा है वो बेहद शांत लग रहा था। पार्टी के कई कार्यकर्ता जो वहां पर मौजूद थे वो उनकी मदद के लिए आगे आए, हालांकि इतना करने के बावजूद भी झंडा को वापस नहीं फहराया जा सका। ऐसे में कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने हाथों से ही पार्टी का झंडा फहराया और इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित भी किया। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी ने ट्वीट कर इस मौके पर शुभकामनाएं दी है। पूरे कांग्रेस के सभी अध्यक्षों को, सभी नेताओं को, सभी समर्थकों को और जो भी कांग्रेस पार्टी में शामिल है उन सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हुए ये कहा है कि हम वो पार्टी है जिसने इस देश में लोकतंत्र की स्थापना की है और हमें इस धरोहर पर गर्व है। आज ये बेहद एक गर्व का अवसर है और आज कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस है, जिसे पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। देश भर में जहां भी कांग्रेस के नेता है, राजनेता है, समर्थक है, वो धूमधाम से आज अपनी पार्टी के स्थापना दिवस को मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में दिल्ली में भी धूमधाम से कार्यक्रमों को संबोधित किया जा रहा है। कार्यक्रम रखा गया है जहां पर सोनिया गांधी खुद मौजूद है। फिलहाल के लिए इतना ही, कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन में। नमस्कार।